ना दिखी तू ना तेरा परछाया वे मां क्यों अपना पुत इतना तुर लाया वे मां आई रोट इट बिकॉज आफ्टर आफ्टर माई मदर पास्ड अवे सो इट इज़ अगर आपको किसी को मतलब समझना है कि कैसे है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई पैन मेरी ये रो रो पुछदी किधर छटके तेनू मैं आया रो रो पुछदी माँ तेरी क्यों बेटी नू मेरी तू ना लाया रोंदी रहिंदियां करदियां कंधां लभदियां तेरा ये साया वे मां किन्ना सवालों च मैनू तू उलझा गई किन्ने ज्यादा मुलजिम मैनू बनाया वे मां क्योंकि अब ऐसा लगता है कि गिल्टी फीलिंग होती है किसी को तो उस वजह से अच्छा एक और उनका मुनव्वर राना का ही बिकॉज ही इज रिटन अलॉट अबाउट हिज मदर तो उनका एक और है शेर जो कि माँ के ऊपर ही है कि बुलंदी बहुत देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है बुलंदी बहुत देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है बहुत ऊंची इमारत भी खतरे में रहती है और ये वो कर्ज है जो मैं चुका नहीं सकता जब तक मैं घर नहीं पहुंचता माँ मेरी सज्दे में रहती है अगली इसका पैरा ऐसे है कि लखा मंदरा ते मत्था टेकिया लखा पीरा ते मैं चुकिया संत फकीरा ते मैं पूछया अक्स तेरा नजर ना आया वे माँ क्यों मेरा रब मिथों तू छुड़ाया वे लास्ट मैं याद तो एक दो और करके आया था पर जैसे मैंने कहा वासु ने सब बुला दिया तो लास्ट इसका पैरा कुछ ऐसे है कि मेरी तरक्की नाल खुश तू है या मेरी नाफरमानियाँ तो परेशान है अच्छा ऑल दो आई एम रिसाइटिंग इन पंजाबी बट इट इज़ स्टिल नॉट माई फर्स्ट लैंग्वेज एंड फॉर दैट मैटर आई डोंट हैव अ फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश और पंजाबी सारी सतीली सी लगती है मेरी तरक्की नाल खुश तू है या मेरी नाफरमानियाँ तो परेशान है मेरे हाथ से हुन भी तेनू हसाते ने या मैनू रोंदा वेख के तू भी रोंदी है कि करदा है दिल मैनू कोली भर के रोण दा जब दिल पत्थर अपना तू बनाया वे मां क्यों अपना पुत इन्ना तू रुलाया वे मां केड़े अंबरा दा तारा तू बन गई केड़ी धरती ते मैनू तू गिराया वे मां बहुत